नमस्कार, आपका स्वागत है इंदाज ड्रामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरे दिन कांग्रेस फाइल्स का तीसरा वीडियो जारी किया है। बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर रिलीज किए इस वीडियो में यूपीए गवर्नमेंट में कोयला घोटाले के बारे में बताया गया है। वीडियो के साथ लिखा गया है, कोयले की दलाली में काले हुए हाथ की कहानी। 2004 से 2009 के बीच कोयला खदानों के ठेके दिए गए। जब भी घोटाला सामने आया तो पूरी यूपीए सरकार पर कालिक फूट गई थी। मनमोहन सिंह जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, उनकी कार्यकाली की कम और घोटाले की चर्चा ज़्यादा थी। इसी बीच 100 कंपनियों को नियमों के विरुद्ध जाकर कोयला खदानों का ठेका दिया गया। बेहद सस्ती कीमतों पर और बगैर नीलामी किए ठेके निजी कंपनियों को दिए गए। इससे 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। इस दौरान कोयला मंत्रालय शिब्बू सोरेन और मनमोहन सिंह के पास था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।